नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एक बहुत ही अवेटेड वीडियो था, जिसके बारे में मैंने पहले से अनाउंस किया था और उसका ट्रेलर भी रिलीज किया गया था आपके सामने। उस वीडियो को 20 जून को रिलीज होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से या वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, इस वजह से उस वीडियो को रोका गया। तो आज इस वीडियो में हम तीन चीजों को कवर करेंगे, तीन बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। नंबर एक, फटिक जाति का प्रमाण जो सबसे आखिरी में हम दिखाएंगे आपको, और कुछ ऐसे प्रमाण आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि फटिक जाति ने इतिहास में बहुत ही सुनहरे पन्ने जोड़े हैं और वो कितने वीर रहे हैं, न सिर्फ इतिहास में बल्कि आज के समय काल में भी। अगर आप सेना में पता करें तो फटिक जाति के लोग सेना में पाए जाते हैं और उन्होंने वीरता की कई गाथाएं लिखी है, जो अगर आप दिल्ली जाएंगे, जो अभी हमारा नया भवन निर्माण कराया गया है, जो शहीदों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया है, उसमें जो ईंटें लगे हैं उस पर जो कुछ नाम उकेरे गए हैं, उन नामों में आपको खटिक समाज के भी लोग मिल जाएंगे। तो हमने अपने इस टूर के दौरान, दिल्ली टूर के दौरान, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया है और आपके सामने आज इस वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान रहा भारत के समाज सुधार के कार्यक्रम में। उन्होंने पिछले छुआछूत, सती प्रथा, इन सब पर बहुत प्रकाश डाला और अपने पूरे जीवन को ही नछावर कर दिया। तो बाबा साहब की उस भावना को सही से, जो बाबा साहब की अपनी भावना रही, क्योंकि उनके लिए समस्त देशवासी समान थे, तो उन्होंने जो बात रखी उसको हम प्रकाश में रखेंगे। और नंबर तीन, तीसरी बात ये हम करेंगे कि छुआछूत का जो प्रारंभ हुआ वो किस कारण से हुआ, भारत कितने विद्वानों का वंश था, जब 92% लोग यहाँ पढ़े लिखे थे तो आखिर छुआछूत का आरंभ कैसे हो गया। तो मित्रों, मैंने तीन चीजें बताई, इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुनते हैं, हम बात कर लेते हैं कि आखिर छुआछूत का आरंभ कैसे हुआ। मित्रों, यहाँ पर मैं आप सबसे चाहूंगा कि बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब 92% लोग पढ़े लिखे थे और आपको जैसे कि मैंने बताया कि पिछले काल में, यानी कि पौराणिक काल में, एनालॉग साइंस का इस्तेमाल होता था और आज डिजिटल साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। एनालॉग साइंस का मतलब होता है कि उसमें व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ा हुआ करता था और कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या कोई भी साइंटिफिक आउटपुट लिया जा सकता था, लेकिन आज के टाइम पे व्यक्तियों की जगह मशीनरी का इस्तेमाल होता है और विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रॉन्स या और मोटिवेशन, जिसमें अदर मीडिया यूज होता है, ऐसे जो जिन चीजों को हम साइंटिफिक रूप से आउटपुट लेते हैं उसे डिजिटल कहा जाता है। दोस्तों, इसको इतना वैज्ञानिक तरीके से न समझने की कोशिश करें, मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप फोन कॉल करना चाहते हैं तो आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसिक PNT जो पहले घुमाने वाले फोन होते थे उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप वायरलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों आपको बात करने में सक्षम है। मित्रों, उसी प्रकार जिस प्रकार आज हम इंजेक्शन लगाकर पेन को खत्म कर देते हैं, वैसे पहले दवाइयां हुआ करती थी जो सुनाने, लगाने या खिलाने के काम में आती थी, वो भी पेन को कम करती थी। यानी कि मीडिया बदल गया लेकिन उसका काम वही था। तो मित्रों, अब चलते हैं आखिर छुआछूत का आरंभ कैसे हुआ। जब साइंस अपने चरम पर था, आप जानते हैं जब साइंस विज्ञान अपने चरम पर था, अगर आप आयुर्वेद में ढूंढे तो आपको पता चलेगा कि जीन के लेवल तक का रिसर्च हो चुका था, यानी कि DNA, जीन्स, इन सब विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ चुके थे हमारे ऋषि, इसीलिए उन्होंने गोत्र परंपरा आदि का प्रारंभ कर दिया था। और गोत्र परंपराओं का प्रारंभ भी इसी वजह से हुआ था ताकि जो बच्चे पैदा हों, आज भी आप जानते हैं कि दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हों, बहुत ही बुद्धिमान हों और बहुत ही सक्षम हों। तो मित्रों, उस समय पर भी ब्रिलियंट ब्रेन और ब्रिलियंट ब्रीड के लिए रिसर्च को इतना ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचा दिया गया था कि ऋषियों ने यह पता कर लिया था कि किस जीन का किस जीन के साथ ये शादी हो जाए या उनकी शादी हो जाए तो उससे जो आने वाली जाति स्पीसीज है या मानव की जो वंशज है वो काफी विद्वान और बुद्धिमान होंगे। इस वजह से, और इस पे मैं और बात करूंगा दोस्तों, कि यदि आप देखें आज जिस सैनिटाइजेशन को लेकर इतना, जिस साफ सफाई या सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, स्वच्छता को जितना अधिक लेवल पर बात की जा रही है दोस्तों, उसी लेवल तक की बात तब हमारे पूर्वज कर रहे थे, इसीलिए वो बिना हाथ धुले खाना न खाने की परंपरा, हाथ पैर धोकर खाना खाने की परंपरा, मंजन की परंपरा या दंत धावन परिकल्पना चरक संहिता में बकायदा वर्णित है, सेकंड चैप्टर में ही दांत को कैसे साफ किया जाए और कौन कौन से लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए जिसको दतून के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों को वहां पर बताया गया था। मित्रों,
इसी तरह ये जैसे आज आप देखते हैं कि MBBS अपने ऑपरेशन थिएटर में किसी को भी चप्पल पहनकर नहीं घुसने देता है, यही परिकल्पनाएं पहले के ऋषियों ने मंदिरों में प्रवेश से लोगों को वर्जित कर रखा था। सिर्फ उन्हीं लोगों को मंदिर में जाने दिया जाता था जो सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे। मित्रों, आज कोई MBBS या किसी एलोपैथी या किसी सर्जन के पास जाकर ये नहीं पूछता कि मैं अंदर ओटी में क्यों नहीं जा सकता, बल्कि वो अंडरस्टूड है, वो समझता है कि जो लोग ऑथराइज्ड हैं वही अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, उस जमाने में भी कोई परमानेंट शूद्र, कोई परमानेंट वैश्य, कोई परमानेंट क्षत्रिय, कोई परमानेंट ब्राह्मण वर्ग का नहीं होता था। जो जितना क्वालिफिकेशन अर्जित कर लेता था, जो जितनी पढ़ाई लिखाई कर लेता था, वो उस लायक होता था और उसकी एंट्री हर जगह पे वैध होती थी। तो मित्रों, जिस प्रकार पहले आज ऑपरेशन थिएटर में चप्पल पहन के नहीं जाने दिया जाता, सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड की बात करती है, इसी प्रकार हमारे वंशज काफी विद्वान थे। और आप जानते हैं कि पूरे भारत की खुदाई कर ली गई, कहीं एक अस्पताल नहीं मिला, बल्कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व में सबसे विकसित राष्ट्र माना जाता था। तो क्या यहाँ पर एक भी अस्पताल नहीं रहा होगा? जिस देश में आयुर्वेद जैसा इतना चरम विज्ञान जो स्वास्थ्य संबंधित था, जिसने कहा कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मात्र विकास प्रसन्न चा, उस विज्ञान ने एक भी अस्पताल नहीं स्टेबल किए या एक भी अस्पताल नहीं बनाया, एक भी रिसर्च सेंटर नहीं बनाया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि तब मंदिरों में ही चिकित्सा व्यवस्था होती थी। और यदि आप चिकित्सा व्यवस्था भारत की देखना चाहें उदाहरण के तौर पर, तो आप देखें गौतम बुद्ध के भी घुटने की सर्जरी की गई है, वो भी भारतीय वैद्यों ने मिलकर की है। इसका अर्थ है कि पहले सर्जरी जैसे एप्लीकेशन भी सर्जरी को भी अडॉप्ट किया गया था। और फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत को ही माना जाता है, जो भारत के ही बहुत बड़े ऋषि थे। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि इस सैनिटाइजेशन को, जो स्वास्थ्य स्वच्छता को मेंटेन करने की बात की जा रही थी, वहां पर जब विदेशी लोग आए और हमारे सभी अध्यापकों और ऐसे लोगों को मारना शुरू किया गया जो लोग शिक्षा की बात करते थे, फिर उन्होंने उसी सैनिटाइजेशन का नाम देकर लोगों को हमारे यहाँ भड़काना शुरू किया कि आपको अंदर नहीं जाने दिया, आपका छूना ना छुआ नहीं खाने दिया जा रहा है, आपको ये किया जा रहा है, आपको वो किया जा रहा है। इसके बाद क्या हुई कि वही लोग जो वहां पे रहते थे, उन लोगों में ही धीरे धीरे 150 सालों में ऐसे बदलाव हो गए कि वो ये भूल गए कि आखिर चप्पल पहनकर क्यों नहीं आने दिया जाता है, आदमी क्यों एक दूसरे का छूना नहीं खा सकता, एक दूसरे का जूठा क्यों नहीं खा सकता। वो लोग उसका मूल मंत्र तो भूल गए, लेकिन इतना जरूर याद रखे रह गए कि इनको छूना नहीं, बाकी वो ना तो उस तरह के स्वास्थ्य सुविधा दे पाते ना उस तरह की चिकित्सा दे पाते थे। तो आज इस विषय पर इसके इतना ही, आगे हम इस वीडियो में और आपसे चर्चा करेंगे। अब चलते हैं दूसरे विषय की तरफ, जो मैंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान। मित्रों, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, उस समय छुआछूत अपने चरम पर था, सिर्फ छुआछूत थी। उससे जो चिकित्सा देते थे मंदिर में, वो सब भूल चुके थे, उसको जानने वाले व्यक्ति नहीं रह गए थे, सिर्फ छुआछूत को ही कैरी ओवर किया जा रहा था। तो जब विद्वानों का जन्म होता है तो वो समाज में फैली हुई कुरीतियों पर रिसर्च करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर एक पढ़े लिखे विद्वान थे, और उन्होंने जब इसको एनालाइज करना शुरू किया तो उनको लगा अब ये कुरीति में बदल गया है और यहाँ इसका ही नाम लेकर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, और उन्होंने समाज सुधारने का बीड़ा उठाया। और आप जानते हैं कि सयाजी महाराज के पैसे से वो इंग्लैंड तक गए और उन्होंने ऐसी डिग्री हासिल की, इतने विद्वान हुए कि उनको भारत के संविधान लिखने का मौका मिला। ये था बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम की छुआछूत। और मैं बात कर रहा था पौराणिक काल पे किसी को न छूने की जो परंपरा बनी थी, यदि वो किस लेवल का था, और वही परंपरा बाबा साहब अम्बेडकर तक आते आते कितनी बदल गई और उसमें कितने मॉडिफिकेशन हो गए, आप समझ सकते हैं। और मित्रों, अब चलते हैं हमारे उस जाति की तरफ जिसका नाम बहुत ही तड़कता और भड़कता हुआ है, जिसको कहा जाता है खटिक समाज। न जाने कौन से लोग हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं, शायद उनका पाला कभी खटकों से नहीं पड़ा और ना ही वो कभी किसी खटिक समाज के आसपास उनका घर रहा है। मित्रों, वो कहते हैं, वो बताते हैं कि वीरता का इतिहास इनका नहीं है। तो कुछ वीडियो आप जो बगल में आपके प्ले हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये वीडियो जो मैं पॉपअप कर दे रहा हूँ, आप इसको देखते रहिए, ये वही वीडियो है जो आपको बताएंगे कि इतिहास में खटिक समाज ने क्या क्या किया है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है, जो इस पत्थरों पे आप जो उकेरे हुए नाम है उनको जरूर देखते रहेगा, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते थे खटिक समाज ने कुछ नहीं किया इतिहास में। अरे अगर आप उनके पड़ोस में रहते तो उनकी बहादुरी की चर्चा आप जरूर जान जाते। आप वही लोग हैं जो वही लोग इस पर नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों का पाला या जिन लोगों ने कभी खटिक व्यक्तियों को देखा नहीं है। ये हमारे राष्ट्र के वही भाई हैं जिनको भुलाया गया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने बगावत की है उन आक्रांताओं के खिलाफ जो हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे, और वही डेटा अंग्रेजों ने संभाल कर रखा और वही भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया। बाद में
भारत सरकार भी उनको आज तक अलग थलग ही कंसीडर करती रही। तो मित्रों आज इस वीडियो में मैं आपको बस वही प्रमाण देना चाहता था, ये प्रमाण है, ये वो तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो लोग कहते हैं कि खटीक समाज का कोई इतिहास नहीं है। तो ये आप देखते रहे वीडियो और उन लोगों को जवाब दे दीजिएगा कि वो जाए दिल्ली में शहीद स्मारक जाए और वहां पर खटीक समाज के नाम जो उकेर गए हैं उनको कायदे से देखें। तो इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य शिव कुमार बस आज विदा लूंगा, लेकिन विदा लेने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहूंगा। ये है हमारे मित्र और भाई श्री दीपक शुक्ला जी जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, एनआईटी श्रीनगर से इनको बुलाया गया है और ये कुछ वेदों के बारे में रिसर्च और इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिस पर चर्चा होगी। टीम अग्निवेश ने चाहा कि अपने ऐसे आगंतुक का जरूर सत्कार किया जाए और आपके सामने उनको प्रस्तुत किया जाए। तो जम्मू कश्मीर में इनका अभी शिक्षा दीक्षा चल रही है और वहां से आए, तो आज मैं इनसे कुछ चर्चा करूंगा और काफी ज्ञान का आदान प्रदान होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। मैं वैद्य अक्षय कुमार बस आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।